हमें इस तरह से पॉइंट लगाने हैं। अब इन पॉइंट्स के अंदर डॉट के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ जिस जगह पे डार्क है ना हमारे पास, सिर्फ वहाँ पे डार्क है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये डॉट ही लग रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा कि कहीं पे ऐसे लग रहे हैं, कहीं पे ऐसे ऐसे नहीं, वो एक डॉट की फॉर्म में। हमें पॉइंटर को बिल्कुल सीधा रखना है, देखो ऐसे सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रख के उसके बाद हमने इसको एक पॉइंट के ऐसे लगाना है। इसका रूल ये होता है कि जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि जिस जहाँ पे आपको, अगर मुझे इस कॉर्नर पे, इस एज पे मेरा डार्क है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लगा के, डॉट लगा के उसको, उस एरिया को डार्क करूँगी। अगर आप इसके अंदर भी नोटिस करें तो आपको प्रॉपर एक टोन और वो शेड नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट और कहाँ पे वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डॉट दिए थे तो वो मुझे एक डार्क सा शेड यहाँ पे नज़र आ गया, और जहाँ पे मैंने कम दिए वहाँ पे एक टोन्स और वो सारे उस लिहाज से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने पूरे को शेड इस तरह से करना। ये आपके आज एक और नई टेक्निक और एक और नया मीडियम हो गया जिसको हमने एक्सप्लोर किया।